यार ये रात को इतने सारे ख्याल दिमाग में घूमते रहते हैं कि नींद ही नहीं आती। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप शांति से सोने का सोच रहे हो लेकिन आपके दिमाग में लगातार कुछ ना कुछ ख्याल आ रहे हैं? ये ख्याल आपको सोने ही नहीं दे रहे। आप लाख कोशिश कर लो लेकिन ये ख्यालों की रेलगाड़ी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो चिंता मत कीजिए, ये समस्या सिर्फ आपकी ही नहीं है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको रात में सोचने की समस्या है। रात में ज्यादा सोचने से फिर नींद नहीं आती जो अनिद्रा के बीमारी में परिवर्तित हो सकती है, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और ठीक से नींद न आने पर आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए रात को अच्छी नींद लेना काफी जरूरी है, जिसकी वजह से जरूरी है कि आपके दिमाग में चल रहे ख्यालों को आप शांत करें। तो आज जानिए कुछ ऐसे उपाय जिन्हें अपनाने से आप ओवरथिंकिंग की इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे और रात को अच्छी सी चैन से नींद ले सकेंगे। सबसे पहला उपाय है विचारों को डाइवर्ट करना। विचारों को शांत करने के लिए जरूरी है कि आप चिंता कम करें। आप कोई ऐसी चीज या विषय के बारे में न सोचिए जिससे आपको चिंता हो, क्योंकि ये चिंता और कई सारे विचारों को आकर्षित करती है, जिस वजह से आपको ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है। अगर आप अपने विचारों को रोक नहीं सकते तो उन्हें डाइवर्ट कर लीजिए। कोई ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिससे आपको खुशी मिलती है, जैसे कि आप अपने परिवार के बारे में सोच सकते हो या फिर आप अपने किसी प्रियजन के बारे में सोच सकते हो। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इंसान जिससे आपको खुशी मिलती हो उसके बारे में सोचिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपको नींद भी आ जाएगी। दूसरा है बेड में जागते हुए न लेटे। ओवरथिंकिंग एक ऐसी समस्या है जो आप जितना अधिक उसके बारे में सोचते हो उतनी ही बदतर हो जाती है। ऊपर से जब आप बेड में बिना कुछ किए ऐसे लेटे रहते हो तो ओवरथिंकिंग बढ़ती जाती है। इसलिए आप प्रयास करें कि आप अपने बेड में जाने के 20 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाए। ऐसा नहीं होता है तो 20 मिनट के बाद आप अपने बेड से उठ जाइए और कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटीज कीजिए, जैसे कि आप जर्नलिंग कर सकते हो, आप किताब पढ़ सकते हो, ध्यान लगा सकते हो या फिर हल्का सा म्यूजिक सुन सकते हो। फिर जब आपको नींद आने लगे तब जाकर बिस्तर पर सोने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपको तुरंत ही नींद आ जाएगी और बेमतलब के ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तीसरा है अपने मसल्स को रिलैक्स करें। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए आप अपने शरीर के मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। ध्यान दीजिए कि आपकी सांसें आपको कहां तक महसूस हो रही है। गहरी सांस लें और थोड़ी देर उसे रोक के रखें, फिर गहरी सांस छोड़ें। ऐसा करते रहिए, अपने शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स करें। हो सके तो आप कपड़े भी ऐसे ही पहने जिसमें आपका शरीर फ्री महसूस करता हो। ऐसा करने से आपके शरीर के हर एक अंग पर पूरा ध्यान देने से आपके दिमाग में कोई और ख्याल नहीं आएगा और इस तरह से आप चैन से सो पाएंगे। अगला है अपनी जो परेशानियां हैं उनको अपनी आंखों से दूर कर दें। कोई ऐसे बिल जो आपको परेशान करते हैं, जिनको आपको पे करना है, उन बिल्स को अपनी नजरों से दूर कर दीजिए। जब तक वो बिल्स आपकी नजर के सामने रहेंगे आपके दिमाग में वही ख्याल चलने वाले हैं, इसीलिए फिर आप सो भी नहीं पाओगे। इसीलिए वो तमाम बिल्स या फिर वो सारी चीजें जिसको देखकर आपको टेंशन होती है उन सब को अपनी आंखों से दूर कर दें। अगला है ख्यालों को लिख लेना। कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी कोई एक ऐसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं जो हमें परेशान कर रही है। उन चीजों को अपने दिमाग से निकालना काफी जरूरी होता है। तो अगर आपको कोई ऐसी परेशानी होती है या फिर कोई एक ऐसा विचार जो आपके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा, उस परेशानी को या फिर उस विचार को आप पेपर पर लिख लीजिए। यकीन मानिए, लिखने मात्र से वो ख्याल आपके दिमाग से निकल जाएगा। ऐसे आपको उस विचार से मुक्ति मिलेगी और आप चैन से नींद नहीं ले सकेंगे। ये सुनने में ये उपाय जितना सरल लग रहा है उतना ही असरकारक है। नहीं मानते तो आजमा कर देख लीजिए। अगला है रूम का माहौल अच्छा बनाना।
कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ पर सो रहे हैं वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है कि हमें नींद ही नहीं आती। इसलिए आप प्रयास करिए कि आप जहाँ पर सो रहे हो वहाँ का माहौल अच्छा हो। इसलिए जैसे कि हमने पहले बताया, सारी वो चीजें जिनसे आपको परेशानी होती है उस चीजों को अपनी नजर से दूर कर दीजिए। फिर अपने रूम में कोई अच्छा सा परफ्यूम या फिर कोई परफ्यूम वाली कैंडल जलाइए। आप अपने रूम के कलर में भी ऐसे ही कलर इस्तेमाल करें जिनको देखकर आपको शांति मिलती है। ये छोटी छोटी चीजें अच्छी नींद लाने के लिए और आपके विचारों को काबू करने के लिए काफी मदद कर सकती है। इन टिप्स को अपनाकर आप अपने ख्यालों को शांत कीजिए और अच्छी नींद लीजिए। और आगे भी कई सारी ऐसी काम की जानकारी लेकर मैं सुरभि आपके सामने पेश होती रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।